हाई एवरी वन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हेलोवीन नाइट्स हियर इन द USA और मैंने नेक्स्ट टर्म के लिए कौन कौन से कोर्स रजिस्ट्रेशन की हूँ और मेरे किचन में एक न्यू मेंबर को ऐड की हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले सुबह मैं उठी थी, बहुत सारा काम की, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, तो स्टार्टिंग की हूँ अम्बी को स्कूल ड्रॉप करने से। और यहाँ पे है हेलोवीन आज। बेसिकली ये था ट्यूसडे को या ट्यूसडे को 31st ऑफ अक्टूबर। और अभी मैं जा रही हूँ अम्बी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उसके स्कूल में है कॉस्ट्यूम डे, तो वो आज हैरी पॉटर कॉस्ट्यूम ली है इस बार, वही वो पहनी है। और घर आने के बाद हस्बैंड को उनका ब्रेकफास्ट और चाय दे दी थी, क्योंकि वो मीटिंग में है अभी, वो अपना मीटिंग ख़त्म करेंगे, फिर मैं उनको ऑफिस ड्रॉप करने जाऊंगी, फिर मेरा कॉलेज भी है। तो मीनवाइल मैं अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, क्योंकि आज ही कोर्स रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। अगर मैं फिर से रजिस्ट्रेशन ना करूँ तो ये भर जाएंगे, फिर मुझे मिलेंगे नहीं। तो मैंने तीन कोर्स लिया है, सोची चार लूँगी या पाँच लूँगी, बट नहीं हो पाएगा। डेटा स्ट्रक्चर कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा टफ है, उसमें काफ़ी टाइम देना होगा, इसकी वजह से मैंने वो नहीं दिया है। सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है और मैथ तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है कैलकुलस, उसकी वजह से। तो वो सब मैंने रजिस्ट्रेशन किया और पूरा दिन पढ़ाई वढ़ाई था, वो सब ख़त्म की मैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अभी हो गया है इवनिंग, तो इवनिंग हो गया है और मेरा क्लास भी चल रहा था, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो मैं सोची कि अभी शाम हो गया है, बच्चों के लिए कैंडी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग आ गए थे, कैंडी का टाइम हो गया था शाम को। तो इस बार लॉलीपॉप हम लोग लाए हैं, हर बारी हम लोग मिक्स चॉकलेट लाते हैं, बट हस्बैंड इस बार लॉलीपॉप लेके आ गए थे और ये जो फ्रूट स्नैक्स होते हैं ना वो वाला लिए हैं। एटलीस्ट कुछ तो है, क्योंकि बच्चे आते हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने वेलकमिंग जैसा यहाँ पे दोनों तरफ फ्लावर और जैक लैंटर्न लगा दी हूँ, उसमें लाइट भी लगा दी हूँ। अभी दिन है तो दिख नहीं रहा है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मैंने अपना ये वाला भी रख देती हूँ, फ्रूट स्नैक्स वाला, और इसके बाद ना अम्बी को लेके जाऊँगी उसको ट्रिक और ट्रीट कराने के लिए, उसको स्कूल से लेके ये सब आ गई थी। और आजकल तो इतना फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, भागम दौड़ चलती रहती है। तो अम्बी स्कूल से आ गई है, रेडी हो गई है, और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बिना जैकेट के कहीं कुछ कर नहीं सकते हो। और अम्बी अपना दो बास्केट ले ली है कैंडी के लिए, एंड सी इज रेडी फॉर द ट्रिक और ट्रीटिंग। तो इसको चलिए लेके चलते हैं, ये अपने फ्रेंड के साथ ट्रिक और ट्रीट करने जाएगी, और उसके फ्रेंड पे घर जाके हम लोग करेंगे। इसकी फ्रेंड और इस दोनों उसकी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और हम लोग हर बार उनके साथ ही उनकी कम्युनिटी में करते हैं। तो चलिए अभी अम्बी को लेके चलते हैं उसके फ्रेंड के कम्युनिटी में। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ इनके घर पे, और इन दोनों बच्चों का मैंने सोचा एक दो वीडियोस ले लेते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। और इन यहाँ पे फ्लावर और पेड़ों पे जो पत्ते हैं ना, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि बता नहीं सकती। मैंने इन सबको रिकॉर्ड किया, थोड़े थोड़े बच्चों लोग का फोटो लिया, और उसके बाद ये ट्रिक और ट्रीटिंग स्टार्ट कर दिए थे सभी जगह। ये लोग चॉकलेट कैंडी इतने सारे कैंडी हो जाते हैं ना कि कहने के बात नहीं। अम्बी का पूरा दोनों टब भर गया था, वो जो उसका बास्केट होता है। और जो हेलोवीन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है, इतने सारे स्केरी डेकोरेशन होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए ये लोग पूरा अच्छी तरह से सजाए हुए हैं, और थोड़ा सा बहुत डरावना भी लग रहा था रात को। ये देखिए ये वाला जो स्केलेटन है ऐसे हग करता है, और कितना ज़्यादा डर लग।
हैरी पॉटर का दो ये लगा हुआ था, और यहाँ पे मैंने इन दोनों का बोला चलो तुम लोगों का मैं थोड़ा सा फ़ोटो ले लेती हूँ, तो कुछ कुछ फ़ोटो लिया मैंने, वीडियो भी लिया। और उसके बाद चलिए, और भी जो हेलोवीन के डेकोरेशन होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये पूरा ना 6 विच थे, इतना डार्क में ग्लो कर रहा था ना, थोड़ा डर भी लग रहा था। और देखिए नेक्स्ट वाला जो है ना काफ़ी अच्छा है, ये वाला भी पूरा ग्लो कर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, एट द सेम टाइम स्केरी भी था। तो यहाँ पे बहुत जगह ये हाफ बॉडी किस तरह से है, बहुत ही डर लग रहा था। ये वाला भी बहुत ही ग्लोई है, नियोनिंग है बट लेकिन सचमुच में यहाँ पे साउंड और ये सब लगा हुआ था ना। तो चलिए एम्बी के ट्रिक और ट्रीटिंग हो गई है, हम लोग वहाँ पे वापस उनके घर पे चाय पी, एम्बी लोग हॉट कोको पी, और मैं आ गई हूँ घर। और यहाँ पे एम्बी आ गई है बाहर कैंडी चेक करने के लिए, बहुत बच्चे कैंडी नहीं लिए थे बट जब हम लोग घर आए तो फिर थोड़ी देर के बाद देखे बहुत बच्चे आ रहे थे, पूरा कैंडी ख़त्म हो गया। तो फिर मैं बोली कि ये दूसरा वाला भी रख दो, बट रखी थी कोई नहीं ले गए, बट ठीक है। और उसके बाद एम्बी ने बहुत सारा इसका दोनों टब भर गया था, बट मेरे फ्रेंड के घर पे ही जो कैंडी ये नहीं इसको चाहिए वो कैंडी उनके बास्केट में रखवा दी, क्योंकि उनके कम्युनिटी में बहुत बच्चे आते हैं कैंडी लेने के लिए। तो जो जो इसको नहीं चाहिए था वो सब वहाँ पे रख दी ये और इसकी फ्रेंड, और जो इसको चाहिए था वो सब लेके आई है। कुछ कुछ इसमें टॉयज भी मिले हैं, तो बच्चों लोगों की छोटी छोटी सी चीज़ों में कितनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं ना, वो छोटी सी चीज़ में खुश होते हैं, उन्हें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। तो एम्बी को ये सब गुडीज ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत सारा कैंडी भी बहुत अच्छा सब था। और उसके बाद मैं जब जा रही थी तभी ये मेरा पैकेट आ गया था, और मैंने कॉस्को का वो एयर फ्रायर रिटर्न करके ये वाला एयर फ्रायर ली हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे कुछ अच्छा सा लेना था, वो वाले एयर फ्रायर में बहुत कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है, 2 लेयर करना पड़ता है कभी, या फिर कभी आपको पिज्जा वीजा भी करना हो ना तो सारा अच्छे से नहीं हो पाता था उसमें। और तो इसलिए हम लोग इस बार ये वाला लिए हैं कि इसमें ना 2 रैक बने हुए रहते हैं और बहुत अच्छा रहता है, और क्लिजनाट का है ये। तो मैं सोची क्या, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो उसको वापस कर दो, कॉस्को वाला हम लोग वापस करके ये वाला लिए हैं और इसको यूज करके देखते हैं कैसा है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग तो हो गई है, और इसका जो ये सब रैक ये सब इसमें लगा देते हैं, थोड़ा क्लीनिंग करते हैं इसका। क्लीन करके बाद करने के बाद मैं सोच रही थी कुछ बनाने का, बट इतना ज़्यादा थक गई थी ना पूरा वॉकिंग करते करते बच्चों के साथ में, और तो मुझे मन नहीं कर रहा था और कुछ बनाने का। तो इसलिए मैं सोची कि चलो इसमें जो मेरे पास पिज्ज़ा है वही उसको बेक करते हैं। तो अभी ये पूरा सेटअप हो गया है, और पूरा इसको मैंने हम लोग खोल के पूरा सब कुछ ये कर लिए हैं, अनबॉक्स कर दिए हैं, और अभी चलिए इसको ले जाके सेट कर देते हैं जहाँ पे मेरा एयर फ्रायर का सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसमें लाइट ऑन करने का भी है, जस्ट लाइक ये छोटा सा ओवन होता है ना वो छोटा सा ओवन हो गया, इसमें एयर फ्रायर है, बेक है, ब्रोल है, बहुत कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे अच्छा ही लगा, ठीक ही लगा ये वाला, देखते हैं इसको यूज करने के बाद कैसा होता है। और इसमें ये नेट वाला जो बास्केट बना हुआ है ना ये बड़ा अच्छा है इसमें। तो अभी मैं सोची चलो इस सबको वॉश करते हैं, वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैं सोच रही हूँ पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ। तो मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था कॉलीफ्लावर पिज़्ज़ा, और इसको ही मैं सोची पहले आज बेक कर लेती हूँ। पहले मुझे लगा ना कि ये इसका ट्रे ये सब बड़ा है ना तो पिज़्ज़ा इसमें आ जाएगा, बट पिज़्ज़ा इसमें थोड़ा सा नहीं आ रहा था, बट ये आ ही रहा था अच्छी तरह से। बट मैं सोची इसको हाफ में कट कर लेते हैं और दोनों वाले ट्रे में इसको रखते हैं,
और तब जाके इसको बेक करते हैं। और क्योंकि इस तरह से रख दो तो मतलब अच्छी तरह से उसमें आ नहीं रहा है और बेक नहीं होगा ठीक से। मैंने इसको ना बस नाइफ से हाफ हाफ कर दिया, दोनों ट्रे में रख दिया और इसको मैं यहाँ पे बेक पे डाल देती हूँ। और जस्ट मैं 15 मिनट बेक के लिए रखी थी, बहुत ही अच्छे से बेक हो गया था। इसका जो अंदर का जो बॉटम का जो क्रस्ट होता है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। और हस्बैंड तो ऑफिस से आके वो कुछ कुछ खा लिए थे, समोसा था, मुड़ी था, वो सब मिला के खा लिए। बोले मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम लोग खाओ। चाय वाय पी लिए थे वो, तो हम लोग बोले कि ठीक है मैं और आम भी ही खाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छी तरह से इसका बॉटम जो है ना, बहुत ही अच्छे से ये हुआ था, बेक हुआ था। दोनों तरफ क्रिस्प जो है इसका बहुत ही अच्छा हुआ था, तो मुझे लग रहा था वो नेट की वजह से ना अच्छे से हुआ था। तो अभी इसको सर्विंग कर लेते हैं। और मैं और आम भी को, आम भी बोल रही है मम्मी वहाँ फायर प्लेस के पास हम लोग वहाँ पे खाते हैं, और बहुत ज्यादा ठंडा भी लग रहा था ना आज, तो फायर प्लेस ऑन कर दिए हैं। और आज हम लोगों को कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा था और चटपटा सा, तो चीटो लिया और यहाँ पे लिया पिज्जा, और हम लोग चलते हैं फायर प्लेस के पास, वहां जाके बैठ के खाएंगे और इंजॉय करेंगे। और ये वाले पिज्जा ना कॉलीफ्लावर मुझे लगा उतना अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा अच्छा इसका टेस्ट हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका बॉटम में भी वेजीज है, ऊपर में वेजीज है, चीज है। तो मैं और आम भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड को बोली एक स्लाइस लेने, वो लिए ही नहीं, बोले नहीं मुझे भूख ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय किया और बहुत ही मजा आया आज के पूरे दिन। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।